ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पीएनजीज का यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो जो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस अगर अभी तक आप सबने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसा अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस आपको जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना आपको अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस आपको कुछ स्टेप्स अपने मॉडल को रखना है। आप गाइस पोज आप कैसा भी कर सकते हो, पोज कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, तो आप पोज अपनी मर्जी से कैसा भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस जब आप मॉडल को अपने यहाँ पे ऐड कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ मॉडल को इस टाइप से रखना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसके लिए आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ पे आपको ऐड करना है एक शेडो का पीएनजी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इसको लेकर आके आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस आपको इसको कुछ इस तरीके से आपको अपने मॉडल के नीचे रखना है। एंड इसका इसको मूव डाउन करके कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है। देन गाइस आपको इसका एक डुप्लीकेट करके आपको उसको सिंपली अपने पैर के पास रख देना है कुछ स्टेप से। तो इसको मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ। सो गाइस इतना परफेक्ट है, आप क्या करेंगे गाइस, जिसको हम यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसको डन कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमें एक विगनेट का पीएनजी और ऐड करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड कर लेते हैं उस पीएनजी को। तो गाइस आपको इसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इसको सिंपली फुल स्क्रीन कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपकी फोटो में ऐड हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे परफेक्ट है, आप इसको हम यहाँ से सिंपली करते हैं डन। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, गाइस यहाँ पे ऐड करना आपको एक पार्टिकल का पीएनजी। आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे गाइस इससे थोड़ा फोटो अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। तो उसको आपको क्या करना है, आपको इसकी ओपेसिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर आपको जो फेस वाला एरिया आपको सिंपली वहाँ से इसको रिमूव कर देना है। एंड यहाँ से आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कर देना है डन। ओके सो इतना परफेक्ट है, अब यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस रीटच तो हमें करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको पे क्या करना है, पहले आप सभी को जाना है ऐसे गाइस इस लाइट वाला ऑप्शन में, ऊपर जो लाइट वाला ऑप्शन है आपको उसमें जाना है। एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट है गाइस, आपको इसको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है जो इसको पीछे की तरफ कम कर देना है। एंड जो ल्यूमिनस है आपको इसको ल्यूमिनस नहीं हाईलाइट है इसको आपको बढ़ा देना है। एंड जो शेडो है गाइस इसको भी आपको इंक्रीज कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा व्हाइट, तो गाइस आपको व्हाइट को जो है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड इसको जाना आपको कलर्स में, फिर यहाँ पे आपको इसकी वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो में थोड़ा सा टेम्परेचर है जो इसको कम करना है। एंड जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा सैचुरेशन कम करना है। एंड जो यहाँ पे ल्यूमिनस आपको इसको बढ़ाना है। फिर उसके बाद आपको जाना है ऐसे येलो कलर में, आपको इसका ह्यू कम करना है, ठीक है, एंड सैचुरेशन बढ़ाना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से जाना ग्रीन कलर में, आप चाहो तो इसका ह्यू चेंज कर सकते हो, जैसे कि गाइस ग्रीन कलर है तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ह्यू, तो आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जाना डार्क ब्लू में, अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो आप इसका ब्लू कलर का ह्यू चेंज कर सकते हो एंड सैचुरेशन बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद आपको डार्क ब्लू में जाकर आपको इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना अगर नहीं चाहिए होगा तो। फिर उसके बाद आपको सिंपली डन करना है। फिर जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पर फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में हल्का सा विग्नेट डालना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग डालना विग्नेट। एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आपको हमें मिलेगा ग्रे अमाउंट, आपको उसको बढ़ाना है। फिर उसके बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में थोड़ा सा नॉइज रिडक्शन डालना है। एंड नीचे मिले आपको कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।